महाकुंभ 2025 को दिव्य एवं भव्य रूप से आयोजित किए जाने के लिए मंगलवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सभागार में प्रयागराज जनपद के स्टेक होल्डर्स के सुझावों को महाकुंभ कार्य योजना में सम्मिलित करने के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर एवं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की संयुक्त अध्यक्षता में एक विशेष कार्यशाला गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग ने प्रयागराज को स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करने हेतु बनाई गई कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि सिटी सैनिटेशन प्लान के अंतर्गत अभी तक एक संस्था के माध्यम से 80 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। बाकी 20 वार्डों में भी जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर 100% घरों से कचरा कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। शहर को स्वच्छ रखने के लिए 5,200 मैन पावर लगी हुई है। महाकुंभ के दृष्टिगत 2000 से 2500 मैन पावर अस्थायी रूप से और बढ़ाया जाएगा। सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सभी कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम कितनी भी कोशिश करें परंतु बिना नागरिकों के सहयोग के 24 घंटे हमारा जनपद स्वच्छ बना रहे यह संभव नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे प्रमुख कार्यों की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि महाकुंभ के दृष्टिगत जनपद के सुंदरीकरण हेतु चिन्हित प्रमुख चौराहों, सड़कों, फ्लाईओवर सहित अन्य स्थानों के बारे में बताया कि 36 चौराहों के सुंदरीकरण का कार्य प्रगति पर है। चौराहों पर ग्रीन बेल्ट, कुंभ के थीम पर आधारित मुरल्स भी बनाई जाएगी। चौराहों व सड़कों के सुंदरीकरण हेतु विशेषज्ञ आर्किटेक्ट की मदद ली जा रही है। उन्होंने हनुमान मंदिर कॉरिडोर, लिप्रोसी चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयरपोर्ट से संगम तक 6 रोटरी विकसित किए जाने, फ्लाईओवर के पिलर्स की पेंटिंग, उसके नीचे ग्रीनरी वॉल पेंटिंग, शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर गेट आदि के बारे में बनाई गई योजनाओं के बारे में बताए। प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद कुमार यादव ने प्रयागराज शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों, छोटी सड़कों व गंगा नदी के किनारे तटीय भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सुंदरीकरण किए जाने के साथ जनपद में हरित महाकुंभ के आयोजन हेतु लगभग 1,50,000 वृक्षारोपण की जानकारी दी। अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने कहा कि हम सभी लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा एवं अच्छी सुविधा प्रदान करना है। नाव में बैठने वाले सभी यात्री 100% लाइफ जैकेट का प्रयोग अवश्य करें। जनपद प्रयागराज और मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने के लिए सभी जनपदवासियों से सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन की कार्य योजना को और सुदृढ़ बनाए जाने हेतु लोगों से अपने सुझाव देने के लिए कहा है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने स्वच्छ महाकुंभ के रूप में आयोजित किए जाने हेतु सभी लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील करते हुए कहा कि यदि हम महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त बना सके तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपने घर के निकास द्वार पर कपड़े से बने हुए 2 झोले टांग कर रखें और घर से निकलते समय अपने साथ झोला अवश्य लेकर निकलें। कार्यक्रम में MNIT के निदेशक R0S0 वर्मा ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में भीड़ प्रबंधन, सर्विलांस व अन्य तकनीकी कार्यों में हमारे संस्थान द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है उसे हमारा संस्थान कर रहा है और करते रहेंगे। उन्होंने महाकुंभ प्रबंधन के लिए डेवलप किए गए ऐप के बारे में भी बताया। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने कहा कि हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि हम सब महाकुंभ के आयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व अन्य नई तकनीकियों का प्रयोग करते हुए भीड़ मैनेजमेंट एवं यातायात प्रबंधन पर कार्य किया जाएगा। यह ऐसा कार्यक्रम है, इसमें कोई भी गलती न होने पाए। उन्होंने कहा कि ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत करनी ही होती है। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ निर्वहन करते हुए इस महा आयोजन में अपने दायित्वों को निभाएं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि महाकुंभ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है, यह आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उदाहरण तथा विश्व के सामने एक अच्छी मिसाल पेश कर सके, यहाँ पर वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बने, इसके लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। विकास कार्यक्रमों एवं जनपद के सौंदर्यीकरण के लिए आपके द्वारा दिए गए सुझाव व सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य ससमय पूर्ण करा लिए जाएंगे। द्वितीय सत्र में कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कार्यशाला में आए हुए प्रयागवाल,
आचार्य बाड़ा, दंडी बाड़ा, खुक चौक सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ नाविक संघ, पार्षद गणों, होटल एसोसिएशन, टैक्सी टेम्पो यूनियन, स्ट्रीट वेंडर तथा अन्य स्केट होल्डरों से महाकुंभ के आयोजन को भव्य एवं दिव्य रूप से आयोजित किए जाने हेतु उनके सुझाव प्राप्त करते हुए कहा कि कार्य योजना में आप सभी द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए आयोजन को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं को उपहार स्वरूप एक एक किट व नाविकों को जीवन रक्षक जैकेट प्रदान किया गया। महाकुंभ 2025 के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स को के साथ जो है बैठक की गई है। इसपे यहाँ के जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, वो चाहे सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हो या हमारे अलेक यूनियन है जो यहाँ पे गोताखोर यूनियन है, और साथ में हमारे नाविक लोग हैं, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो सभी के साथ जो है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में जो है काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है और ये मीटिंग अभी चलेगी, और इस तरह से मीटिंग जो है ताकि जितनी समस्याएँ प्रयागराज के शहर में जिन लोगों की समस्याएँ हैं या जिन लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, जो और सुधार करना चाहते हैं, उन सभी सुधारों को हमारी टीम के द्वारा जो है इसको इनकॉर्पोरेट करके और प्रबंधन को व्यवस्थाओं को अच्छी की जा सके। सर, सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार का जो महाकुंभ पास होने वाला है, किस तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग लगभग पिछला महाकुंभ को देखते हुए, 2019 का कुंभ को देखते हुए और साथ में उसके बाद जितने मार्ग मिला है उसमें से हम लोगों ने कई जगह नए नए प्रयोग किए हैं, जिसमें हम लोग वृहद स्तर पे सीसीटीवी कैमरास का प्रयोग किया है और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है, डेटा एनालिटिक्स का भी प्रयोग किया गया है, साथ में एक स्पेशलाइज यूनिट्स भी बनाई गई है जो हमारे डिजास्टर रिलीफ के लिए है। तो उसमें कई मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग सुरक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए कई विशेषज्ञ लगे हुए हैं और लगातार इस पे अपने रिसोर्सेज को भी ऑगमेंट किया जा रहा है। तो हमारा सारा टारगेट ये है कि जितने लोग यहाँ पर आए उन्हें अच्छी व्यवस्था दे सके और साथ में एक सुरक्षित और सुगम कुंभ को करा सके। जी, मित्र पुलिस और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट के लिए स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है, साथ में जैसे पिछले महाकुंभ में हम लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया था, कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया था, तो इस बार भी हम लोग उसको कर रहे हैं, उसका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ताकि वो सब लोग जुड़ के जो है हमारे साथ अच्छा प्रबंधन में सहयोग कर सके। 2019 कुंभ में पुलिस श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आई थी, निश्चित रूप से होगा, और हम लोग को व्यवहार पे और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पे बहुत जोर है। प्रशासन और पुलिस के सभी लोग जितने हैं उनके व्यवहार पे और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पे जोर दी जा रही है, तथा भाषाओं के पे भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जितने लोग जहां से भी आए उनको हम लोग अच्छा प्रबंधन करा सकें।